नई नौजवान नस्ल के सियासत में आने से तरक्की याफ्ता भारत का हदफ जल्द हासिल हो जाएगा मोदी। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, अजाफी कंपनियों की तैनाती। जो लोग इंडिया इतिहाद का हिस्सा नहीं वो बीजेपी के खामोश शराकत दार हैं, डॉक्टर सजाद उड़ी। असेंबली इंतखाबात पहले मरहले में जमात इस्लामी के साथ अरकान बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। असेंबली इलेक्शन बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा उस्मान मजीद। जम्मू कश्मीर में 31 अगस्त तक बेशतर मुकामात पर बारिशों का इम्कान। नवा नौजवानों की नस्ल सियासत में आने नाल तरक्की याफ्ता भारत ना हदफ जल्द हासिल होगा मोदी। असेंबली इंतखाबात का पेश नज़र सिक्योरिटी का गैर मामूली इंतजाम, अजाफी कंपनियों की तैनाती। जड़ा लोग इंडिया इतिहाद को हिस्सों नहीं वो बीजेपी का खामोश शराकत दार हैं, डॉक्टर सजाद उड़ी। असेंबली इंतखाबात पहला मरहला में जमात इस्लामी का 7 उम्मीदवार बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। असेंबली इलेक्शन बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगो उस्मान मजीद। जम्मू कश्मीर में 31 अगस्त तोड़ी कई जगह पर बारिशों को इम्कान। इन दी पॉलिटिक्स ऑफ द न्यू यंग जनरेशन द गोल ऑफ ए डेवलपिंग इंडिया विल बी अचीव्ड सून मोदी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर डिप्लॉइंग एडिशनल कंपनीज एहिड ऑफ असेंबली इलेक्शन। दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस एंड सी साइलेंट पार्टनर्स ऑफ बीजेपी, डॉक्टर सजाद उड़ी। 7 मेंबर्स ऑफ जमात इस्लामी विल कॉन्टेस्ट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ द असेंबली इलेक्शन। इट विल कॉन्टेस्ट द असेंबली इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस्मान मजीद। Rains are likely at most places in Jammu and Kashmir till August 31.